हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप एक बिगेनर हो तो आप कैसे एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्री में। आप सभी को मिडजर्नी के बारे में तो पता है यार, जो कि अभी पेड हो गया है, लेकिन उसका बहुत सारा ऑल्टरनेटिव भी है जहां पर आप फ्री में यूज कर सकते हो, बट उसका एक लिमिट है। तो कैसे करना है वो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट में जिसका नाम है leonardo.ai। तो बस आने के बाद यहाँ पर आपको गूगल से लॉग इन कर लेना है और इसका होम पेज आ गया। जिन्होंने भी यह इमेजेस क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देगा होम पेज पर। अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसका। देखिए यहाँ पर लिखा है पेस्टल एनिमे स्टाइलिंग यूज विद PMV3 एंड द एनिमे प्रीसेट। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं पता या आपको नहीं मालूम कि एक्चुअली में कौन सा वर्क करेगा, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हो अगर आपको इन कीवर्ड का मतलब पता है तो। लाइक आपको कुछ आर्ट जनरेट करना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको प्रॉम्प्ट का जो इंस्पिरेशन या फिर बोलूँ मैं एग्जाम्पल या फिर सैम्पल, आप यहाँ से ले सकते हो इसके होम पेज से ही। जिस तरह का भी आर्ट आपको पसंद है बस उसको ओपन करना है और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना है या फिर उसको कॉपी कर लेना है। तो इसको जेनरेट कैसे करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा एक नंबर जो कि है आपका टोकन। 118 टोकन बचा है, मैं इसको यूज़ करके जेनरेट कर सकता हूँ कोई भी इमेज। इसके लिए मुझे आना है नीचे यूजर टूल्स एंड AI इमेज जेनरेटर, इस पर क्लिक करने के बाद जो मैंने रिसेंट जेनरेट किया था कुछ वो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। और अगर मुझे कुछ नया इमेज जेनरेट करना है तो बस यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट डालना है। गांधी जयंती आने वाला है तो मुझे अभी एक महात्मा गांधी का इमेज जेनरेट करना है, तो मैं यहाँ पर सीधा लिखूँगा महात्मा गांधी। अब ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जो है स्टेबल डिफ्यूजन, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे आपका इमेज का जो टाइप है वो चेंज हो सकता है। आप इसको खुद से एक्सप्लोर करना, अलग अलग मोड पर सिलेक्ट करके इमेज जनरेट करना सेम कैटेगरी सेम प्रॉम्प्ट देकर, तो आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ स्टेबल डिफ्यूजन 1.5। तो बस मैंने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर कुछ और नहीं करना फिलहाल। चाहे आप ऐड नेगेटिव प्रॉम्प्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको इस इमेज में नहीं चाहिए वो भी आप इसमें डाल सकते हो, लाइक नो डबल हेड और फेस। लेकिन मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाला है, तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और राइट साइड में आपको दिखाई देगा कितना टोकन यूज होने वाला है इस इमेज को जेनरेट करने में। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 16, तो 118 में से 16 अभी माइनस हो जाएगा अगर मैं इस जेनरेट बटन को एक बार क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ क्या देता है मुझे। यहाँ पर जेनरेट हो रहा है दो सैंपल, क्योंकि मैंने लेफ्ट में सिलेक्ट करके रखा है तो इसलिए दो ही दिखाएगा। तो देखिए इसने मुझे दो इमेज जेनरेट करके दे दिया। इतना भी एक्यूरेट नहीं है, आँख में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बाकी का ओवरऑल इमेज गांधी जी की जैसा लग रहा है।